कि आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। या दोस्तों, टैली प्राइम जो कि टैली का सबसे न्यूएस्ट और लेटेस्ट वर्जन है। पिछली वीडियोस में मैं आपको बताई थी कि टैली प्राइम पे वर्क करने के लिए हमें कौन कौन से फीचर्स की नीड होती है और कौन कौन से फीचर्स कब और कहाँ यूज किए जाते हैं और किस किस फीचर में किस किस स्टेटमेंट की एंट्री होती है। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर में जो हमने एक दूसरे से डेबिट क्रेडिट करते हैं, जो भी जर्नल एंट्री की जो भी एंट्री होती है वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। और उसकी एंट्री करने के लिए हमने बताया था आपको कीबोर्ड से हम F4 प्रेस करके वहाँ उसकी एंट्री करेंगे। इसी तरह पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वगैरह, इन सब की एंट्री हम अकाउंटिंग के पार्ट में करते हैं। वाउचर में हमारे टोटल 18 होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग वाउचर में टोटल 10 वाउचर आते हैं एंड इन्वेंटरी वाउचर में टोटल 8 वाउचर आते हैं। तो मैंने अकाउंटिंग वाउचर के बारे में आपको बताया, अब मैं बताऊंगी इस वीडियोस में मैं आपको इन्वेंटरी वाउचर। तो इन्वेंटरी वाउचर्स में कौन कौन से वाउचर आते हैं, आइए नंबर वन में परचेज ऑर्डर परचेज ऑर्डर वाउचर। परचेज, अगर हम कोई भी आइटम्स या गुड परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि हमें इस टाइप की कोई गुड्स चाहिए या कोई आइटम्स चाहिए जो थोड़ा अलग दिख रहा हो, या फिर उसकी कोई लोकेशन वगैरह जो अलग टाइप की दिखती हो, वो हम उसे ऑर्डर दे के बनवा सकते हैं। एंड देन हम तो उस ऑर्डर को हम टैली प्राइम में कैसे इंक्लूड करेंगे और उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे, इसके लिए हमें परचेज ऑर्डर की जरूरत होगी। परचेज ऑर्डर हम टैली प्राइम में जाएंगे और कुछ फीचर्स होते हैं वहां पे अनेबल करने होते हैं, और वहां से हम परचेज ऑर्डर को कीबोर्ड पे कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस कीबोर्ड से हम F4 प्रेस करेंगे, जो कि हमारा परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की है। सेकेंड है हमारा सेल्स ऑर्डर। अब सेल्स ऑर्डर में हम किस चीज की एंट्री करते हैं इन्वेंटरी में टैली प्राइम के ऊपर, तो अगर हमें कोई गुड्स या कोई आइटम्स या फिर कोई भी थिंग्स सेल्स करनी है, और सेल्स करनी है तो उसके लिए हम कोई भी कस्टमर हमें आके ऑर्डर देता है कि हमें ये चीज चाहिए और आपको वो थिंग्स वगैरह सेल्स करनी होती है, तो आप उसकी ऑर्डर लिखते हैं। तो उस ऑर्डर की हम टैली प्राइम में एंट्री कैसे करेंगे, सेल्स ऑर्डर में जाने के लिए हमें कीबोर्ड से की प्रेस करने होंगे Alt प्लस F5, हमारा सेल्स ऑर्डर के लिए शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की है। एंड थर्ड हमारा है रिजेक्शन। रिजेक्शन इन वर्ड, रिजेक्शन इन वर्ड मतलब जो हमने परचेज किया है वो हमें परचेज के लिए जो हमने ऑर्डर दिया है वो हमें कैंसिल करनी है, तो उसे कैंसिल करने के लिए हम कीबोर्ड पे परचेज ऑर्डर में रिजेक्शन इन वर्ड की एंट्री करेंगे, जहाँ पे हम परचेज रिटर्न भी इसको कह सकते हैं। जो हमने परचेज कोई गुड्स या थिंग्स परचेज करने के लिए जो ऑर्डर दी थी उस ऑर्डर को हमें कैंसिल करना है, तो उसके लिए हम रिजेक्शन इन वर्ड में जाएंगे और वहाँ से कीबोर्ड से हम
कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे तो हम परचेज की जो ऑर्डर होगी वो कैंसिल कर सकते हैं। एंड रिजेक्शन आउटवर्ड, ये रिजेक्शन आउटवर्ड क्या है, ये हमारा सेल्स ऑर्डर रिटर्न है। जो हमने सेल्स के लिए ऑर्डर दे रखी है किसी कंपनी को या फिर किसी कस्टमर को, वो हम रिटर्न कैसे लेंगे, उसकी एंट्री हम कीबोर्ड पे कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो हमारा कोई भी जो सेल्स दिया गया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सेल्स और रिजेक्ट की जो एंट्री हम करेंगे वो रिजेक्शन आउटवर्ड में जाएंगे और वहां से करेंगे। नेक्स्ट हमारा पांचवा है स्टॉक जर्नल वाउचर। इस स्टॉक जर्नल वाउचर में जो भी हमारे स्टॉक्स आते हैं कंपनी में उसकी एंट्री हम करते हैं, और उसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक जो सेटिस्फाइड जो होते हैं हम उस एंट्री से वो हमें नहीं मिलेगी। उसके लिए कोई स्टॉक की अगर जो भी हमें एंट्री करनी है तो हम स्टॉक जर्नल वाउचर में जाएंगे और उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F7। ये हमारा स्टॉक जर्नल वाउचर का शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की है। एंड देन सिक्स नंबर डिलीवरी नोट वाउचर। इसमें हम जो भी किसी भी कस्टमर को जो गुड्स परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है उसकी हमें डिलीवरी करनी है तो वो कौन सा लोकेशन होगा, कौन सा जगह होगा सॉरी उसका कौन सा एग्जैक्ट प्लेस होगा कि जहाँ पे हमें वो जाके हमें जो सेल्स और परचेज की जो ऑर्डर मिली है वो हमें उसे पहुंचानी है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे डिलीवरी नोट वाउचर में, उसकी नोटिंग करेंगे और उसके लिए हम कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस F8। तो ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे हम इन्वेंटरी वाउचर में जाके किसी वाउचर्स डिलीवरी नोट्स की एंट्री के लिए। एंड देन है रिसीप्ट, रिसीप्ट नोट वाउचर। हमने जो गुड्स या फिर कोई थिंग्स या फिर कोई स्टॉक या फिर कोई आइटम्स जो हम डिलीवरी करवाई है वो हमें एक रिसीप्ट देता है, तो उस रिसीप्ट की एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे और किस टाइप से कौन सी की हम प्रेस करेंगे जिससे हम टैली रिसीप्ट नोट की एंट्री कर सके, उसके लिए हमें शॉर्टकट की कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो यहां से हम रिसीप्ट नोट वाउचर में रिसीप्ट की रिसीविंग की एंट्री कर सकते हैं। एंड देन आठवां हमारा है फिजिकल, फिजिकल स्टॉक वाउचर। जो हमारा फिजिकल भौतिकी टाइप की जो भी स्टॉक्स होते हैं उसकी एंट्री हम फिजिकल स्टॉक वाउचर में करते हैं और उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ F10
ये हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स के जो 8 शॉर्टकट वाउचर थे एंड उसके शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की परचेज ऑर्डर वाउचर अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो हमारा परचेज ऑर्डर वाउचर ऑन होगा। सेल्स ऑर्डर वाउचर में अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो सेल्स ऑर्डर वाउचर ऑन होगा। रिजेक्शन इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज रिटर्न ऑर्डर किए हैं उसे रिटर्न करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे तो वो हमारा रिटर्न में उसकी एंट्री होगी। डिजेक्शन आउटवर्ड यानी कि सेल्स ऑर्डर जो हमने किया है उस ऑर्डर को वापस करने के लिए उसकी एंट्री हम रिजेक्शन आउटवर्ड में करेंगे और उसका कॉम्बिनेशन की है ऑल्ट के साथ F6। स्टॉक जर्नल वाउचर इसकी एंट्री हम इन्वेंट्री वाउचर में ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हम स्टॉक जर्नल वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। डिलीवरी नोट वाउचर की एंट्री करने के लिए हमें कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करने होंगे जिससे हम डिलीवरी नोट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। रिसीप्ट नोट वाउचर की एंट्री करने के लिए हम कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो हमारी रिसीप्ट नोट की एंट्री होती है। एंड फिजिकल स्टॉक वाउचर की जो भी एंट्री हम करेंगे अदर जो होते हैं जो एंट्री वगैरह वो फिजिकल स्टॉक वाउचर में होते हैं उसकी एंट्री के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की ऑल्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे तो हम वहां जाके एंट्री कर सकते हैं। तो ये टोटल वाउचर्स हमारे 18 होते हैं, अकाउंटिंग के 10 और इन्वेंट्री के 8। तो फ्रेंड्स अब इस ये कॉम्बिनेशन शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की यूज टैली ERP 9 में हमने बहुत किया है बट आई डोंट नो कि टैली प्राइम में इस कॉम्बिनेशन की एंट्री होती है या नहीं होती है बट मैंने अभी खुद ये कॉम्बिनेशन की यूज नहीं किया है इन्वेंट्री में टैली प्राइम में बट टैली आई कंफर्म कि टैली ERP 9 में इन्वेंट्री वाउचर्स की जो कॉम्बिनेशन की होती थी उसकी एंट्री होती थी उसे हमें अनेबल करना पड़ता था कि गेटवे ऑफ टैली के सिस्टम पे जा करके वहां से F11 प्रेस करके F11 प्रेस करने के बाद हम F2 प्रेस करते थे। F2 प्रेस करके हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाते थे और जो फीचर्स हमारे होते थे वो हमें अनेबल करने होते थे और वहां पे कुछ ऑप्शंस आते थे जैसे कि हम F11 प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है बट ये हमारा है ऑर्डर अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग ये ऑप्शन हमें यस करने होंगे। सॉरी तो ये हमारा यहाँ पे आ गया अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग किसी भी चीज की ऑर्डर के लिए परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर रिटर्न परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर रिटर्न जो भी है रिसिप्ट की अनरिसिप्ट की तो इसमें हम अभी एंट्री नहीं किए हैं। मैं एक बार ट्राई करके देखूंगी कि टैली प्राइम में ये फीचर्स अनेबल करने के बाद जो हमारी रिसिप्ट डिलीवरी एंड परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर की एंट्री होती है या नहीं होती है फिर मैं उसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके बताऊंगी बट टैली ERP 9 में यहाँ कुछ ऑप्शन होते थे ये इन्वेंट्री में जैसे कि यूज यहाँ पे होता था यूज परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग उसे हमें यस करने होते थे एंड यूज सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग उसे भी यस करने होते थे। रिजेक्शन इनवर्ड का एक ऑप्शन होता था उसे यस करना होता था और रिजेक्शन आउटवर्ड का एक ऑप्शन होता था उसे यस करने होते थे और लास्ट में ट्रैकिंग नंबर होता था जो कि अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है और ये हमारा ऑर्डर है तो मैं 2 है और वहाँ पे 5 ऑप्शंस होते थे बट यहाँ पे 2 ही है तो हमने इस दोनों ऑप्शंस को यस कर दिया है देन हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगले वीडियोस में मैं आपको इन्वेंटरी फीचर्स में जाकर के परचेज ऑर्डर की एंट्री कैसे की जाती है टैली प्राइम पे वो करके बताऊंगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इन्वेंटरी वाउचर्स में कोई डाउट है उसके फंक्शनल की में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।